हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोनिका द्विवेदी, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स, आज हम खाद्य सेवा प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका विषय कोड है MAHS 08। आज हम इसकी प्रथम इकाई खाद्य सेवा का इतिहास एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसके परिचय से, जिसमें हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर खाद्य सेवा जो है उसका अर्थ क्या है, क्यों यह इकाई आपके कोर्स में डाली गई है, इसमें आप किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे और क्यों यह आपके पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक है। जहां तक उद्देश्यों की बात करते हैं, उद्देश्य आपको खाद्य सेवा इकाइयों से परिचित कराना है। खाद्य सेवा प्रतिष्ठान क्या होते हैं, इनको किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, इसके संबंध में आपको बताना है। खाद्य सेवा इकाइयां जो हैं, उनका इतिहास क्या है, वो किस प्रकार से आरंभ हुई और उनका किस प्रकार से पुराने समय से आज वर्तमान समय तक विकास का किस प्रकार से विकास होता रहा है, इसके बारे में आपको समझाएंगे। खाद्य सेवा के विकास को अगर कुछ कारकों ने प्रभावित भी किया है तो वो कारक क्या है, क्यों उन्होंने इसे प्रभावित किया और किस प्रकार उसने कारकों ने इसे प्रभावित किया, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। इसके अलावा खाद्य सेवा प्रबंधन की आधुनिक और पारंपरिक दृष्टिकोण की व्याख्या भी हम इसमें करेंगे। इसके अलावा इसमें प्रबंधन, अगर आप कोई खाद्य सेवा इकाई खोलते हैं या कोई व्यक्ति खाद्य सेवा इकाई शुरुआत करता है तो उसमें किस प्रकार का प्रबंधन है और उनमें किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि खाद्य सेवा इकाई है क्या। खाद्य सेवा इकाई है किसी भी एक बड़े समुदाय के लिए किसी स्थान पर भोजन का निर्माण करना और उन्हें भोजन उपलब्ध कराना। अगर हम बात करते हैं इसके प्रकारों की तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक व्यवसायिक, दूसरे होते हैं गैर व्यवसायिक। जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, व्यवसायिक जो खाद्य सेवा इकाइयां होती हैं वो किसी फायदे को ध्यान में रखते हुए, और वो फायदा होता है मॉनेटरी फायदा, अर्थात कोई व्यक्ति पैसे के लिए किसी समुदाय को भोजन उपलब्ध कराता है। अगर हम आप इसको उदाहरण से समझें तो जैसे आजकल होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, या फिर रोड साइड ढाबे हैं, ठेले हैं, या कोई भी ऐसी संस्था जो आपसे पैसे लेके आपको फूड प्रोवाइड कराती है, भोजन उपलब्ध कराती है। दूसरे में आते हैं गैर व्यवसायिक, अर्थात ऐसी संस्थाएं जो अपने किसी भी फायदे को किनारे करके, अर्थात उसमें उनका अपना कोई फायदा नहीं होता, कोई निजी हित नहीं होता, उसके बिना वो किसी समुदाय को भोजन उपलब्ध कराते हैं। जैसे आपने देखा है बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, लंगर हैं, या फिर कोई अन्य संस्थाएं NGOs वगैरह हैं जो कि सामाजिक कार्यों को ध्यान में, सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए किसी समुदाय के लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि खाद्य सेवा इकाइयां काफी पुराने समय से चली आ रही हैं और आज वर्तमान समय में भी विद्यमान है, तो इस इकाई को, इस संस्था को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं या किन किन कारकों ने इसे प्रभावित किया है, आइए थोड़ा सा उनको समझने का प्रयास करते हैं। पहली होती है हमारी परंपराएं एवं संस्कृति। अब आप सोचेंगे कि परंपराएं या संस्कृति किस प्रकार से प्रभावित कर सकती है। देखिए, जैसे आपने देखा है पहले पुराने ही समय से सामूहिक प्रार्थना, सामूहिक त्योहारों का आयोजन, या कोई समारोह या कोई सामाजिक उत्सव इस प्रकार के होते चले आए हैं। तो इनमें एक बड़ा समुदाय, काफी बड़े संख्या में लोग आते हैं जिनको भोजन उपलब्ध कराया जाता है, तो कुछ व्यक्ति मिलकर इस बड़े समुदाय के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। अब मैं आपको इसको एक उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे आप सोचिए कि घर में आपकी कोई शादी होती है, तो वो पहले से भी ऐसी होता था और अभी भी ऐसी होती है, कुछ तरीकों में बदलाव आया है। पहले से होता था कि घर की कोई शादी होती थी, आसपास के कुछ लोग इकट्ठे होते थे, वो भोजन का निर्माण करते थे, तो जितने भी लोग आमंत्रित होते थे वो उस भोजन को खाते थे और इस प्रकार से एक समुदाय उस भोजन को ग्रहण करता था। आजकल के सिनेरियो के हिसाब से हम लोगों ने इस चीज का थोड़ा सा चेंज इसमें किया हुआ है कि आप होता तो वही है, समुदाय एकत्रित होता है, बट कोई बाहर से कोई संस्था, जैसे आप कहते हैं केटरिंग ऑर्डर, हम केटरिंग का ऑर्डर दे देते हैं बाहर से, तो वो लोग भोजन का निर्माण करते हैं,
लेकिन वह एक भोजन इकाई की तरह ही कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी परंपराएं एवं संस्कृति भी ऐसी है जिसने कि इन खाद्य सेवा इकाइयों को प्रमोट किया है, जिससे निरंतर ही विकास की ओर अग्रसर है। इसके अलावा अगर हम धर्म के बारे में बात करें तो आपने देखा होगा हमारे मंदिरों में अनुष्ठान होते हैं, आपके गुरुद्वारे में लंगर लगते हैं, इसी प्रकार अन्य भी जितनी भी धार्मिक आपकी संस्थाएं हैं वो कुछ न कुछ आपके समुदाय के लिए कोई ना कोई अनुष्ठान वगैरह या फिर एक समाज एक समुदाय के लिए भोजन वितरण का कार्य प्रसाद के रूप में या फिर भोजन ही के रूप में कराते रहते हैं। अब जैसे आप कुछ एनजीओज हैं या फिर कुछ संस्थाएं हैं, जैसे मिशनरी ऑफ चैरिटी है, रामकृष्ण मिशन है, रेड क्रॉस सोसाइटी है, श्री सत्य साई ट्रस्ट, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, ऐसी कई संस्थाएं हैं जिस प्रकार से कार्य कर रही हैं, इनको दीर्घ स्तरीय केटरिंग सेवा भी कहा जाता है। अब अगला कारक है राज शासक या राज स्तर। इसमें जैसे हमारे पुराने राजा महाराजा होते थे, उसमें क्या होता था कि उनके जो कर्मचारीगण थे और प्लस जो उनके अपने मेंबर्स थे, फैमिली मेंबर्स राजाओं के, वो लोग सब एक ही जगह पे रहते थे। अतः उनका एक बड़ी किचन होती थी उनके महलों में, जहाँ पे सभी का भोजन तैयार किया जाता था, जो काफी बड़ी मात्रा में होता था। इसे भी आप एक भोजन इकाई के रूप में कह सकते हैं, जाना जाता है यह भी एक खाद्य सेवा इकाई के रूप में, क्योंकि इसमें राजा का परिवार होता था, उनके अपने सैनिक होते थे और जो भी उनके इर्द गिर्द उनके कर्मचारीगण होते थे, उन सभी का भोजन उनके किचन में तैयार किया जाता था। अगले कारक की अगर हम बात करते हैं, सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन ने किस प्रकार से प्रभावित किया है? सामाजिक परिवर्तन इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे समाज में जो भी परिवर्तन आए हैं, जैसे पहले आपने देखा होगा ज्वाइंट फैमिलीज होती थी और अब न्यूक्लियर फैमिलीज का ज्यादा ट्रेंड है, या कह लीजिए समय ऐसा आ गया है कि न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा हो गई हैं, क्योंकि व्यक्ति जो है वो रोजगार के लिए अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह पे निवास करने लगा है, तो उसकी वहां पे अपनी फैमिली हो जाती है। इस सब के बीच में क्या हुआ कि पहले बड़ा परिवार था, घर में खाना बनता था तो उसका चलन था कि घर में खाना। अब हस्बैंड वाइफ अधिकतर केस में हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब वाले हैं, अगर नहीं भी है तो भी आदमी जब व्यक्ति जब 6 दिन जॉब करता है तो उसके बाद 1 दिन वो आउटिंग करता है, ऐसा आजकल चलन है, तो उसमें वो कहीं ना कहीं बाहर खाना खाने जाता है या कहीं बाहर घूमने गए तो फिर आपने कुछ स्नैक्स वगैरह खा लिया या पूरा डिनर कर लिया या लंच कर लिया, तो इस प्रकार से भी जो तो अब उनको भोजन किसने प्रोवाइड किया, होटल्स ने या रेस्टोरेंट्स ने या ढाबे ने, तो ये भी क्या है आपकी खाद्य सेवा इकाई है। तो इस प्रकार से जब उन्होंने देखा कि ये चलन बढ़ रहा है कि आदमी व्यक्ति बाहर खाने के लिए ललाइत ज्यादा है, वो इंटरेस्टेड ज्यादा है, तो उन्होंने इस चीज में निरंतर इंक्रीमेंट्स करने स्टार्ट करे, रोज कुछ ना कुछ बदलाव किए, कुछ ना कुछ विकास किए, तो इस प्रकार से निरंतर आगे को बढ़ता गया। इसके अलावा बर्थडे पार्टीज हैं या नामकरण पार्टी हैं, शादी की पार्टी हैं, किटी पार्टीज हैं, आजकल बहुत सारी पार्टीज भी ऐसी होती हैं जिनमें कि आप लोग बाहर से भोजन मंगवाते हैं या फिर किसी होटल में जाके पार्टीज की जाती हैं या फिर घर पे ही एक बड़े समुदाय के लिए काफी बड़ी संख्या में लोगों के लिए भोजन का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से एक सामाजिक परिवर्तन ने भी इन खाद्य सेवा इकाइयों को अवश्य ही एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, जिससे कि इनका विकास संभव हुआ है। औद्योगिक विकास की बात करें, औद्योगिक विकास में आप इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं या किसी मिल या फैक्ट्री या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जहाँ पे कि एक सारे कर्मचारियों के लिए कंपनी के अंदर ही या फिर फैक्ट्री के अंदर ही एक किचन या फिर आपका कैंटीन या फिर छोटा सा स्नैक्स कॉर्नर टाइप का बनाया गया होता है, जिससे कि फायदा कंपनी को या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को ये होता है कि उन्हें टाइम की बचत होती है। व्यक्ति अगर बाहर जाएगा खाना खाने ढूंढेगा, उसमें ज्यादा समय लगेगा तो समय का भी दुरुपयोग होगा और प्लस व्यक्ति को भटकना पड़ेगा खाने के लिए, तो अगर उसे अंदर ही खाना उपलब्ध है तो वो निश्चित समय में अपना खाना लेगा, खाना खाएगा और दोबारा अपने काम में लग जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि जो मालिक है उसको भी फायदा हुआ, प्लस जो कर्मचारी है या जो भी वर्कर है उनको भी फायदा हुआ, तो इस प्रकार से इसको भी निरंतर उससे प्रमोट मिला, उसको पॉजिटिव वहां से भी रिस्पांस मिला। इसके अलावा पुनर्वास कल्याण जो केंद्र है वहां पे भी इस प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में जैसे आप देखिए हॉस्पिटल्स हैं
या फिर क्लिनिक्स हैं, क्रेच हैं, वृद्धाश्रम हैं, मानसिक पुनर्वास केंद्र हैं, इन सभी जगहों पे आप देखिएगा कि कुछ ना कुछ खाने पीने की कोई कैंटीन, छोटा सा कॉर्नर या फिर चाय या ढाबा, ऐसा कुछ ना कुछ खुला हुआ आप पाएंगे। तो इस प्रकार से इन इनकी डिमांड पे भी इन इकाइयों को काफ़ी बढ़ावा मिला। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं या फिर हॉस्टल्स हैं। हॉस्टल्स में भी देखिए आप कि कैफेटेरियाज होते हैं या डोमेट्री है, इन सब जगहों पे भी छोटी छोटी कैंटीन्स और आपके कैफेटेरिया हैं, किचन्स हैं, ये सब बनाए गए होते हैं ताकि सभी बच्चे वहाँ पे अपना भोजन ले सकें और एक व्यवस्था वहाँ पे बनाई जाती है ताकि बच्चे इधर उधर ना बिखरें और एक ही जगह पे आके अपना साथ में भोजन करें। इसी प्रकार एक मिड डे मील योजना चलती है, सरकारी जितने भी स्कूल्स हैं बच्चों के, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कभी कि मिड डे मील है जिसमें छोटे बच्चों को वहीं पे स्कूल में दिन का भोजन कराया जाता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है और इससे काफ़ी प्रमोशन मिला है, काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिला है इसमें। भोजन माता जो है वहाँ पे बच्चों के लिए भोजन बनाती है, तो इसने भी काफ़ी उसको प्रभावित किया है और पॉजिटिव रहा है इसका भी, इसकी वजह से भी इसमें एक बड़ा उछाल आया है, बहुत काफ़ी विकास हुआ है इसका खाद्य सेवा इकाई का। बेरोजगारी बेरोजगार आपने देखा कि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ी उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे बेरोजगारी भी बढ़ी। तो लोगों ने ये पाया कि अरे इस वाले बिजनेस में या फिर इस काम में काफ़ी पैसा है और रोजगार तो है ही, रोजगार परक कार्य है, तो लोगों ने इस फील्ड में काम करना शुरू किया। तो उससे भी काफ़ी लोग इस अभी इस बिजनेस में एंगेज हैं, इस काम में एंगेज हैं, जिससे कि इसको प्रमोशन मिला है या जो उद्योग है या जो बिजनेस है और ज़्यादा इसको बढ़ावा मिला है। तो इस एपिसोड में, इस वीडियो में इतना ही। अगले जो आपकी वीडियो होगी उसमें हम इसके अगले कुछ और कारकों का, इसके वर्तमान, इसका कैसा समय चल रहा है इसका, और अन्य इसके किसी इकाई को अगर आपको प्रतिष्ठित करना है, कोई इकाई खोलनी है, तो उसमें क्या क्या आपकी प्रोसेस होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।